गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर्स, ये वीडियो उन टीनेजर्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहे हैं, और ये वीडियो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगा कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए, क्या आपके बच्चे के लिए ये ट्रीटमेंट सेफ है, क्या गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप खुद एक टीनेजर हैं तो आप और भी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, जो मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं बताता जाऊंगा। और ये वीडियो आपका, और अगर आपका बेटा गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहा है, आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकता है। तो ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे डला ही नहीं है, सो पूरा एंड तक जरूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं गायनेकोमास्टिया टीनेजर्स की डेफिनेशन। हर टीनेज बॉय को गायनेकोमास्टिया होता है और विद टाइम मेजॉरिटी में सेटल हो जाता है। इसलिए होता है बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन का राइज होता है और वो एक गायनेकोमास्टिया की कंडीशन को बनाता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा ओबीस है, हैवी वेट है, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। सो अब हमारी क्या रिकमेंडेशन है? फर्स्ट, ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो उसका टेस्ट अलग होता है। बच्चे की हाइट छोटी होती है, आवाज लड़कियों जैसी होती है, फेस पे बाल नहीं ग्रो करते, टेस्टिस की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो एक अलग सेक्टर है। लेकिन अगर प्यूबर्टल राइज की वजह से गायनेकोमास्टिया टीनेजर हुआ है तो एज अ पेशेंट, एज अ यंग बॉय या एज अ पेरेंट, क्या क्या चीजें आपको देखनी है। अगर ग्रेड वन या ग्रेड टू है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ये अपने आप ठीक हो जाते हैं लार्जली, बहुत ही रेयर। इन लास्ट 17 सालों में मैंने सिर्फ एक ग्रेड टू पेशेंट को ऑपरेट किया गायनेकोमास्टिया, जिसमें 18 साल से कम की एज पे। लार्जली ग्रेड थ्री ग्रेड फोर होता है, वो ठीक नहीं होता अपने आप। याद रखिए, आप कुछ भी कर लें वो ठीक नहीं होगा। वेट लॉस ट्राई करना जरूरी है फर्स्ट टाइम, सो एकदम उठा के प्लास्टिक सर्जन के पास मत ले जाइए बच्चे को, या आप मत जाइए खुद, पहले थोड़ा सा वेट लॉस ट्राई कीजिए, उससे ग्रेड फोर ग्रेड थ्री हो जाएगा, ग्रेड थ्री ग्रेड टू होने की उम्मीद है और चांसेस है कि आपको सर्जरी ना करनी पड़े। लेकिन अगर परसिस्ट करता है ग्रेड थ्री ग्रेड फोर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है आपका बच्चा, या आप अगर पेशेंट हैं खुद, आप स्पोर्ट से हट जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका बेटा सडनली इंट्रोवर्ट हो गया और स्पोर्टिंग अचीवमेंट से हट गया है, पढ़ाई में मन कम लगता है, बाहर जाता ही नहीं है, दोस्तों के साथ फोटो नहीं खिंचवाता, दो दो टी शर्ट या दो दो शर्ट पहनता है, पतली टी शर्ट नहीं पहनता, व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनता। क्यों? बिकॉज कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसको जंप करना पड़े वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में चेस्ट उछलती है, व्हाइट कपड़ों में चेस्ट ज्यादा दिखती है, पतली टी शर्ट में चेस्ट दिखती है, टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनने से चेस्ट छुप जाती है। ये एविडेंस है कि आप, या अगर आप पेशेंट है या आपका बेटा गायनेकोमास्टिया की सिवियर प्रॉब्लम से परेशान है और वो मेंटली बहुत टेंस है, आपको बता नहीं पा रहा है। इस टेंशन को कब तक आप बढ़ने देंगे? विद टाइम मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सिवियर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब आउटगोइंग पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है और पूरी पर्सनैलिटी दब जाती है। तो कब तक आप ऐसा होने देंगे? एज अ पेरेंट आपका डाउट होगा या एज अ टीनेजर कि क्या ये सर्जरी सेफ है? 100% सेफ है, 100% सेफ है। आप इस सर्जरी के माध्यम से ना ही अपना गायनेकोमास्टिया ठीक कर देंगे, मोर इंपॉर्टेंट अपने बच्चे की पूरी मेंटल कंडीशन को यहां से यहां ले जाएंगे, एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे उनकी मेंटल कंडीशन, जो उसको यहां गिराए बैठी है वो इस लेवल तक आ जाएगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है, पेरेंट्स आके ये बताते हैं कि ओवरनाइट बच्चा बदल गया है, उनको लगता है कि ये तो बच्चा था ही नहीं जो एक दिन पहले बिल्कुल चुपचाप कमरे में बात नहीं करना कुछ नहीं, एक दिन में पर्सनैलिटी बदल जाती। तो आप नहीं चाहते कि आप या आपके बेटे की पर्सनैलिटी बदल जाए, एक हैप्पीनेस बढ़ जाए, उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो ठीक होना शुरू हो जाए और वो प्रोफेशनली बेटर परफॉर्म करे। सर्जरी ऑन एन एवरेज 1 hour to 1.5 hours, 5 to 6 hours में डिस्चार्ज, 1 day रेस्ट, 2nd day से पढ़ाई, स्पोर्टिंग एक्टिविटी 10 days के बाद, और सब कुछ इतनी फास्ट रिकवरी से होता है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे और आप सोचेंगे मैंने इसकी सर्जरी पहले क्यों नहीं कराई। बट याद रखिए, 15 साल से पहले सर्जरी नहीं कराएंगे, जो करना है 15 से 18 की एज पे। मैं वापस रिकलेक्ट कर रहा हूं जो जो चीजें आपको बताइए, सर्जरी से मत डरिए, एनेस्थीसिया से मत डरिए, सेफ है, 100% सेफ है। अगर आपका बच्चा डबल कपड़े, मोटे कपड़े पहन रहा है या स्पोर्टिंग एक्टिविटी से दूर भाग रहा है तो एक मेजर प्रॉब्लम है,
पढ़ाई में उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं तो मेजर प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए इन चीजों का। एंड अगर आप गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट कराते हैं तो लिटरली ओवरनाइट उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंच जाता है। सो ये है गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर्स। एज अ पेरेंट आपको इनिशिएटिव लेना है कि जब तक आप अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के नहीं लेके जाएंगे वो आपसे बात कर ही नहीं पाएगा गायनेकोमास्टिया के बारे में। आपको लीड लेनी है और बच्चे को डांटना नहीं है कि हमारे टाइम पे तो होता नहीं था। सही बात है, आपके टाइम पे नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पे गायनेकोमास्टिया को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता था, होता सबके टाइम पे था। आज की जनरेशन अलग है, आज की डिमांड्स अलग है। आपको एज अ पेरेंट ये याद रखना है कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, उससे उसको निकालना आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है। आपका डर भी ठीक है क्यों सर्जरी कराए, लेकिन वो बच्चा ग्रेजुअली अपने ग्रेड्स में गिरता चला जाएगा तो वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। सर्जरी करा के बिल्कुल ठीक करें उसको। एंड इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। एंड हम लोगों को 17 साल में 5000 से भी ज्यादा गायनेकोमास्टिया सर्जरीज का एक्सपीरियंस है। हमारी जो न्यूएस्ट टेक्निक है गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक, जिसके ऊपर मैंने बुक भी लिखी है, गायनेकोमास्टिया 360 टेक्निक से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट होगा और ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है। और ये हम इंडिया में आज सबसे ज्यादा गायनेकोमास्टिया की सर्जरीज डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी में ही होती है, सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोफाइल एंड सबसे अच्छे रिजल्ट्स। सो ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपका डर हट जाए और आप अपने बच्चे का सही तरीके से इलाज करा सके।